हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 12 फरवरी, टुडे इज माय बर्थडे। जी हाँ, आज मेरा बर्थडे है। तो आप सब कैसे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो अभी जस्ट मैंने अपने हेयर वॉश करवाए हैं रचना से। जैसे कि आपको पता होगा, फ्रैक्चर की वजह से मैं ज़्यादा बालों को ऊपर नहीं ले जा सकती, पीछे नहीं ले जा सकती। थेरेपी चल रही थी, लेकिन थेरेपी भी बंद करवा दी गई है, क्योंकि थेरेपी के दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। यहाँ इस साइड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, तो थेरेपी मेरी फिलहाल बंद करवा दी गई है। लाइफ गाइस मेरी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है, बिल्कुल अनबैलेंस। नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही मैं। जैसे कि दोनों बाजू के सहारे हम काम कर लेते हैं आसानी से, उठ बैठना, लेटना, वो बिल्कुल अनबैलेंस हो चुका है सब कुछ। बहुत मुश्किल की घड़ी चल रही है, क्योंकि पेनफुल है। देखिए गाइस, मैं जो मर्द जेंट्स होते हैं ना, कि किसी पेन को इतना फील नहीं करते, वैसे ही मैं हूँ। मैं पेन को इतना फील नहीं करती, जब तक पेन सीवियर वाला, बिल्कुल दर्द के बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए, तब तक मैं नहीं बोलती किसी को कि मैं पेन में हूँ, ना मैं फील करती। क्योंकि मैं बहुत सालों से हेल्थ इशू मेरे साथ जो चल रहे हैं, माइग्रेन, डिस्क की, अभी बाजू की, कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरे साथ। तो मैं बोलते हैं ना, कोई चीज़ हमारे साथ रेगुलर चलती रहे तो उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो वैसी ये दर्द तकलीफ है, पेन है, काफ़ी सालों से चल रहा है मेरे साथ। तो मैं सहन शक्ति मेरे अंदर बहुत आ चुकी है, मैं मुझे आदत हो चुकी है दर्द की। लेकिन वो लेवल के बाहर ना हो जाए, ऊपर ना हो जाए, तब तक मैं फील नहीं करती पेन को। और जैसे कि मैंने आपके साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग में शेयर किया था कि आज मेरा बर्थडे है, तो आप में से कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि शायद हम मनाएंगे बर्थडे। तो आपको क्लियर कर दूं कि ये बर्थडे ब्लॉग नहीं है, बर्थडे नहीं मनाएंगे, क्योंकि मुझे खुद को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही है कुछ खुद के लिए कुछ मनाने की। अभी एनिवर्सरी गई है हमारी 26 तारीख को, 26 जनवरी को, वो भी हमने बिल्कुल भी नहीं मनाई। केक कटिंग भी नहीं हुई है घर में, तो बर्थडे का भी मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ कुछ केक कटिंग वगैरह हो। अगर किया थोड़ा बहुत तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बने रहेगा इस ब्लॉग में लास्ट तक। तो शाम के बज रहे हैं गाइस 4 और चाय का टाइम। हैप्पी बर्थडे मम्मा, दिस इज फॉर यू। दिखाओ। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे मॉम, यू आर क्यून माई मॉम। अच्छा, सम ट्रॉफीज और ये लेटर है। हैप्पी बर्थडे मॉम, मॉम आई विश यू ए डेज ब्यूटिफुल एंड स्पेशल एज यू आर। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मॉम, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लव यू टू मेरी बेटी। एंड गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी बेटी इशिता सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करती है, मतलब सबको स्पेशल फील करवाती है मेरी बेटी है। पी ली चाह? पी ली? नहीं, चलो हम ट्यूशन चार बजे तक, 4 बज गए। अनमोल, चलो पुत्र ट्यूशन का टाइम हो गया। और अभी गाइस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। डॉक्टर के पास विजिट के बाद हम कुछ खाने पीने चले गए, जैसे कि माय मोस्ट फेवरेट दही भल्ले। दही भल्ले खाने के बाद हम गए सब्जी मंडी, फल सब्जी वगैरह लेने के लिए। सब्जी वगैरह खरीदने के बाद सब्जी मंडी में ही ग्रोसरी शॉप से हमने घर का राशन का सामान लिया, महीने भर का इकट्ठा ले लिया सामान। तो गाइस, मेरा देवर आ चुका है आज जॉब से, एकदम से सरप्राइज ही है आपका। कैसा लगा सरप्राइज रचना? चाची भी लाइक दी, गार्डन गार्डन हो रहा है।
नमस्ते जी, नमस्ते जी, उनके दो अच्छा इन्हें देखियो चंदू पुत्र तेरे पापा है यार तेनु कोई लेना देना नहीं पिछली बार इन्ना सरप्राइज हो गया तू सी तो है इन्ना खुश हो गया सी हूं तो देखा भी नहीं अपने पापा नू अमेजोन से गैस मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है। मैंने क्लॉथ का 6 स्टोरेज सेट ऑर्डर किया था जो मुझे आज रिसीव हो चुका है। अभी सर्दियाँ जाने वाली हैं, सर्दियों के जितने भी कपड़े होंगे बच्चों के मेरे सब के वो मैं क्लॉथ बैग्स में स्टोर करके रख सकती हूँ, ये यूजफुल है। जिथे आप मलम वगैरह देन जाते सी वह तो है नहीं भरा जी, जो बाजार है ना गौशाला वो है नहीं किसी काम की, बथेरी बार फोन करके के देखे जब जख्मी होंगे सी गौं इत कि गए सब बेजवान पशुओं की हालत जैसे कि इस गौ माता को देख सकते हैं, इसकी लातें जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं किसी कारण की वजह से, बेचारी एक कदम भी चलने में मुश्किल हो रही है इसको। तो देखते हैं गौशाला का नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो गौशाला छोड़ कर आएंगे गौ माता को। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह बेजुबान पशुओं की हालत दिखाई दे तो आप प्लीज़ उनकी सहायता करें, मदद करें, नज़रअंदाज ना करें। देखिए क्या हालत है गौ माता की, इतने बांध लेने भरा जी जो गौशाला का नंबर पता लग गया छटे आवेंगे हैं वो है एक मुंडा बंटी देख रहे ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਆਉ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਜ ਕੱਟ ਕੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨੇ ਪਰ ਛੱਡੂ आज है गाइस 14 फरवरी बसंत पंचमी का दिन, तो सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ हेयर मास्क खुद का बनाया हुआ 4 चीजों से, क्योंकि हेयर फॉल बहुत हो चुका है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ इशू दवाइयाँ वगैरह इनकी वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है इस प्रॉब्लम को मुझे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको एक गौ माता की हेल्थ दिखाई है वीडियो क्लिप में, एक्चुअली उनकी टांग टूटी हुई है, फ्रैक्चर है उनकी टांग में। तो फिलहाल हमारे घर के सामने हमारी जगह है जहाँ पर हम अपने खुद के पशुओं को बांधते हैं, वहीं पर मैंने उस गौ माता को रखा है। फिलहाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए भगवान ने हम इंसानों को बनाया, हम इंसान कुछ भी कर सकते हैं खुद के लिए, खुद के दुख सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो बेजुबान पशु जो गलियों में सड़कों में ऐसे घूमते हैं बेचारे जख्मी होने के बावजूद, वो सर्वाइव करते हैं खुद से, कोई हेल्प नहीं करता। 100 में से 2% लोग ऐसे हैं जो इन बेजुबान पशुओं की जानवरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना गली में, काफ़ी लोग गली में से गुजरते हुए बोल रहे थे गौ माता की हालत को देखकर कि बेचारे की टांगे सूजी हुई हैं, बेचारी चल नहीं पा रही। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इसकी हेल्प कौन करेगा, हम इंसान कर सकते हैं, जानवर तो नहीं कर सकते ना, कोई और गाय तो उसकी हेल्प करने से रही है, तो कौन करेगा, कोई फरिश्ता आएगा ऊपर से उनको संभालने के लिए, उनका इलाज करवाने के लिए, कोई नहीं सोचता। इंसान है लेकिन इंसानों में इंसानियत तो बहुत कम है। अच्छा अब इससे भी बड़ी बात है, आप सुन लो। देखिए मैंने अब तक ना काफ़ी पशुओं को ऐसे जख्मी हालत में देखकर उनकी हेल्प करने के लिए गौशाला में मैंने कॉल किया है, हर बार कॉल करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई गऊ या फिर बैल वगैरह जख्मी होते हैं, बीमार हालत में होते हैं, तो हम सबसे पहले गौशाला में
कॉल करते हैं, क्योंकि किसी भी शहर में गांव में गौशाला इसीलिए चलाई जाती है ताकि गौओं की बैलों की जो हालत है, बीमार है, बेसहारा है और जख्मी हालत में है, तो उनकी सहायता की जाए। राइट, मैंने जब भी गौशाला में कॉल की है कभी भी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक बार रिस्पॉन्स मिला था और वो भी बहुत, मतलब सुबह से मैं कॉल लगा रही थी, शाम तक वो लेकर गए थे गौ को सड़क पर। मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछली गर्मियों में एक वीडियो में। अच्छा, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ बहाना लगाते हैं, जैसे कि अब लगाया, हमारे पास नंबर नहीं था लेकिन हमने जैसे तैसे नंबर निकाला एक गौशाला का। तो मैंने बताया जगह के बारे में, गौ के कंडीशन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हम सॉरी मैम, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गौओं में एक बीमारी चल रही है कि उनके मुंह में और टांगों में छाले हो रहे हैं, तो ये और गौओं को भी फैल सकती है, तो हम नहीं ले जा सकते। क्या ये सही बात है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी गौओं के साथ मत रखिए उस गौ को, अलग रख कर भी उनका इलाज कर सकते हैं आप, लेकिन बिल्कुल पल्ला झाड़ लेना कि हम नहीं, क्योंकि वो हर बार बहाना लगाते हैं। ये गौशाला वालों ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया बहाना लगाकर, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। हमारी जानकारी में एक पशु का डॉक्टर है, उनकी मैं मदद लेकर उस गौ का इलाज करवाऊंगी, जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी गौ के लिए। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगी गाइस कि प्लीज, आपको अगर रास्ते में, गली सड़कों में ऐसे बेसहारा जो है जख्मी हालत में पशुओं की हालत अगर नजर आए, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी। हाय दोस्तों, नमस्कार। और पवन भाई भी कल चले जाएंगे अपनी जॉब के लिए। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और आगे की जो अपडेट रहेगी गौ के बारे में वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो टिल देन, बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।